अभियान की शुरुआत करेंगे। बड़ी गई खबरों में आके 22 जनवरी का दिन दुनिया भर में हर राम भक्त के लिए ऐतिहासिक होने जा रहा है। 7000 लोगों को 22 जनवरी के दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए निमंत्रण जा चुका है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ को भी निमंत्रण पत्र भेजा जा चुका है। 7000 लोगों के इस लिस्ट में 3000 वीवीआईपी और 4000 साधु संतों को बुलाया गया है। इनका नाम शामिल और सभी से आने का आग्रह किया गया है। 3000 वीवीआईपी की लिस्ट में उद्योगपति मुकेश अंबानी, अभिनेता अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, तो क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली समेत कई हस्तियां इसमें शामिल हैं। और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को भव्य, दिव्य और ऐतिहासिक बनाने को लेकर लगातार तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल होंगे, योगी आदित्यनाथ होंगे, तो साथ ही साथ मोहन भागवत भी इसमें शामिल होंगे। तो उद्योगपति की अगर बात करें तो मुकेश अंबानी, गौतम अडानी और रतन टाटा, साथ ही साथ क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, ये तमाम वो नाम है जो इस प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे, जिन्हें न्योता भेजा जा चुका। तो अभिनेत्री कंगना रनौत को भी निमंत्रण पत्र भेजा जा चुका है। तो प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरी तैयारियां की जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा में 7000 लोगों को न्योता दिया गया है, 7000 लोगों को निमंत्रण पत्र भेजा गया है। इसमें 3000 वीवीआईपी लोगों को निमंत्रण पत्र और 4000 साधु संतों को प्राण प्रतिष्ठा में आने का न्योता दिया गया है। देश के बड़े उद्योगपतियों को भी निमंत्रण भेजा गया, अभिनेता सिंगरों को भी इसमें शामिल किया गया है, साथ ही साथ क्रिकेटर भी इसमें शामिल होते हुए नजर आएंगे। न्यायाधीशों, वैज्ञानिकों और कवियों को भी इन्विटेशन दिया गया है। बार कोड वाले पास से एंट्री मिलेगी और वीवीआईपी की एंट्री को लेकर, वीवीआईपी की शिरकत को लेकर पूरी तैयारियां की गई है।